इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब आता है आपका आईएनसी का टॉपिक में। द क्रेडिट फॉर द बर्थ ऑफ कांग्रेस इज ऑफन गिवन टू एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। मैंने बताया था जब हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस का थोड़ा पार्ट आया था तो उसमें बताया था कि जो ये हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो उसके पीछे जो रीजन थे वो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और किसकी हेल्प से इन्होंने ये बनाया था? विद द हेल्प ऑफ वॉइसरॉय लॉर्ड डफरिन सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज द प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ द पीरियड। कुछ जो है पॉलिटिकल लीडर्स को जो है ये लोग जो है सामने लेके आए थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इन्होंने फॉर्म करी थी। इट वॉज एस्टेब्लिश, इम्पोर्टेंट चीज, कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1885 में। अर्लियर इसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहले जो नाम था दैट वॉज इंडियन एसोसिएशन विच लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन एसोसिएशन वॉज मेड बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा जो है ये एसोसिएशन को जो है बनाया गया था, इंडियन एसोसिएशन को। Who was the viceroy at the time of Indian National Congress? जब हमारी Indian National Congress बनी थी, establish हुई थी, तो कौन से viceroy थे? That was Lord Dufferin. Secretary of the State कौन थे उस time पे? Lord Cross. तो ये मैंने बोला था कि इस chapter में मैं statistical part को cover up करूंगी, तो ये आपका statistical part जो है शुरू हो गया है। Indian National Congress की पहली meeting कहाँ पर हुई थी? बॉम्बे में हुई थी, गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में, जहां पर 72 मेंबर्स ने जो है पार्टिसिपेट करा था और डब्ल्यूसी बनर्जी जो है उसके जो है प्रेसिडेंट जो है बनाए गए थे। फर्स्ट मीटिंग के जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे दैट वाज डब्ल्यूसी बनर्जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अपनी कॉपीज में जरूर लिख लेना। ऋषिकांत चैट बॉक्स। Decided place Pune but it was shifted to Bombay. पहले ये जो मीटिंग जो है कई बार पूछ लिया जाता है, पहले ये मीटिंग कहाँ पर होनी थी? पुणे में होनी थी, लेकिन ये जो है बॉम्बे में जो है शिफ्ट कर दी गई थी ड्यू टू कॉलरा। उस टाइम पे कॉलरा डिजीज जो है फैली हुई थी, उसके कारण जो है प्लेस जो है शिफ्ट करनी पड़ी। सेकेंड मीटिंग कहाँ पर हुई थी? दैट वॉज इन कैलकटा। प्रेसिडेंट जो थे सेकेंड मीटिंग के ये पूछे जाते हैं कि कौन थे कलकत्ता सेशन के प्रेसिडेंट? दादा भाई नरोजी, जिन्हें जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जो है जाना जाता है। ये आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके, जैसे ये यूपी सैनिक का पेपर होता है, देन आपका एपी स्ट्रक्चर, इसमें इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। वेल स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है? हाँ जी, बहुत से बच्चों हेड नॉट कर रहे हैं। मैम बिल्कुल सही आ रही है। ऋषिकांत मिश्रा, अपना नेटवर्क चेक कीजिए, नेटवर्क चेक कीजिए। जिनको सिर्फ ये एक दो बच्चे हैं जिनको नहीं आ रही, जतिन कुमार चेक योर नेटवर्क। सब कह रहे हैं सही आ रही है चैट बॉक्स में बच्चे, ठीक है बेटा। मनीष सिंह चैट बॉक्स में लिखिए अपना क्वेश्चन। ठीक है, आ रही है तो ठीक, गुड। मनीष, ये क्वेश्चन आपने तब भी पूछा था, मैम क्या तलवार रखने के लिए लाइसेंस चाहिए? यहाँ पर बात पिस्टल की हो रही थी, उन्होंने शर्त रखी थी कि किसी को अगर गन या पिस्टल रखनी है तो उसके लिए लाइसेंस। उन्होंने ऐसा कोई रूल नहीं निकाला था कि तलवार रखने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए या नहीं चाहिए। गन। नेक्स्ट आता है आगे, ये आपका इम्पोर्टेंट पार्ट, पूरी इम्पोर्टेंट स्लाइड। वन, थर्ड मीटिंग मद्रास में, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन बारी बारी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये।
पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट, अब किसके ऑफ आईएनसी, हम इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ रहे हैं, तो बदरुद्दीन तैयब जी। बच्चे क्या आंसर देते हैं, जाकिर हुसैन, जो कि गलत, 1887 में बने थे। फर्स्ट इंग्लिश मैन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इंग्लिश मैन प्रेसिडेंट जॉर्ज ह्यूल, 1888 में बने थे। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट, कलकत्ता के सेशन में जो है इनको बनाया गया था 1917 में। और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, ये आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का पूछा हुआ क्वेश्चन, हमने सैंपल पेपर में डिस्कस करा था, जहां पर पूछा गया था कि पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी आईएनसी की, आंसर था सरोजिनी नायडू, 1925 कानपुर सेशन। पहला स्प्लिट इंडियन नेशनल कांग्रेस का, स्प्लिट मतलब अलग अलग कब हुए थे, दैट वाज 1907 एट सूरत सेशन, जहां पर नरम दल और गरम दल के लोग जो है अलग अलग हो गए थे। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज फर्स्ट सॉन्ग इन द सेशन ऑफ, जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, ये पहली बार जो है कहां पर लिखा गया था, कहां पर गाया गया था, दैट वाज कलकत्ता सेशन 1896। फर्स्ट ज्वाइंट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, पहला ज्वाइंट सेशन कहां हुआ था, जहां पर आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों ही ने जो है कंडक्ट करा था ज्वाइंट सेशन दोनों का, दैट वाज इन लखनऊ 1916। नेशनल एंथम जन गण मन वाज फर्स्ट सॉन्ग इन दिस सेशन ऑफ, दैट वाज कोलकाता सेशन, याद होगा जॉर्ज फाइव जो किंग थे उनका उनको वेलकम करने के लिए गाया गया था। द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रिसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी जी, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा था पहला आईएनसी, द ओनली सेशन, सिर्फ आईएनसी का ओनली सेशन, वो था बेलगांव सेशन इन 1924, इट इज द नेम ऑफ अ प्लेस। सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वेयर डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज मेड। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो सेशन बताइए जहां पर जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करी गई थी, पूर्ण स्वराज, दैट वाज 1929 लाहौर सेशन में डिमांड करी गई थी कि हमें तो जी पूर्ण स्वराज चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, अब कौन से प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के, आचार्य जे बी कृपलानी 1946 में, ये जो है इंडिपेंडेंस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ये आपका सारा स्टैटिस्टिकल डाटा हो गया है। बाल गंगाधर तिलक कौन सा ऐसे पर्सन है जो कभी भी आईएनसी के प्रेसिडेंट नहीं बने, तो आंसर आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक नेवर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। अब बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कितने कितने किन किन चीजों में डिवाइड थी। मॉडरेट्स, जो मैं नरम दल गरम दल बताती हूँ, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और गांधीयन एरा। गांधीयन एरा हमने करा था, जहां पर जितने भी सत्याग्रह है वो सारे हमने पढ़े थे, किस किस तरीके से गांधी जी ने एनसीएम स्टार्ट करी थी, सारा दैट वी ऑल कवर अप। मॉडरेट्स जो थे 1885 से 1905 तक रूल करा था, एक्सट्रीमिस्ट ने 1906 से 1918 तक, गांधीयन एरा जो है उसके बाद। अब मॉडरेट फेस में 1885 से 1905 तक इनके पूछ लिया जाता है कि मॉडरेट फेस के कौन से लीडर्स थे, तो नेम दे दिए गए हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये प्रोमिनेंट लीडर्स थे मॉडरेट फेस के। इनका वे ऑफ डूइंग वर्क क्या था, मॉडरेट फेस मीन्स नरम दल, इनका काम करने का तरीका क्या था, ये शांति पूर्वक जो है चाहते थे आजादी, बट इनका ध्यान कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यादा था, इसलिए ये सक्सीड नहीं होते। अभी बताते कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, इनको भैया कॉन्स्टिट्यूशन, इनको लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स चाहिए थी, इनको कॉन्स्टिट्यूशन का था, तो ये उसके लिए लड़ रहे थे। They focus on meetings with Britishers. ये चाहते थे कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें जो है ज्यादा से ज्यादा जो है
ब्रिटिशर्स के साथ जो है मीटिंग्स जो है करनी पड़ेंगी। दे आर दी स्पोर्टर्स ऑफ ब्रिटिशर्स, एक तरह से ये जो थे स्पोर्टर्स थे ब्रिटिशर्स के साथ मिलके काम करना चाहते थे जो नरम दल के लोग थे। दे फोकस ऑन अपर क्लास, इट वॉज नॉट अ मास मूवमेंट। मास मूवमेंट पहले भी बता चुकी हूँ, मास मूवमेंट मीन्स जहाँ पर पूरा देश इकट्ठा होता है, जहाँ पर कोई ये नहीं है कि कौन छोटा कौन बड़ा, जहाँ पर हम पूरी कंट्री को यूनाइट कर रहे हैं। इनका ये मास मूवमेंट नहीं था, इसलिए ये फ्लॉप हुए थे, फेल हुए थे। ये सिर्फ और सिर्फ अपर क्लास के ऊपर जो है जोर दे रहे थे। दे डोमिनेटेड द आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को इन्होंने कब तक डोमिनेट करके रखा, 1885 से 1905। देयर एम वाज नॉट टू बी अग्रेसिव फॉर अटेनिंग इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस को अटेन करने के लिए इनका जो एम था वो अग्रेसिव नहीं था, बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं थे ये लोग। अचीवमेंट, अब इन लोगों ने अपने टाइम पीरियड में अचीवमेंट क्या हुई थी, एक इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1892। क्या था इंडियन काउंसिल एक्ट, जहां पर बोला गया था, बताया था ना मैंने इंडियन काउंसिल एक्ट, जहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है इंडियंस को जो है जगह दी जाएगी, इंडियंस नॉमिनेटेड उनको जगह दी गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और जो है मुस्लिम लीग को जो था उनको जो है रिजर्वेशन का बोला गया था। अंडर दिस दे विल डिस्कस ओनली बजट। नेक्स्ट आता है आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी भी था इनके पास, कि हाँ हमने जनतंत्र, हमने जो है रिपब्लिक होना है, ये आइडिया था। देन ड्रेन थ्योरी वेल्थ, यानी कि अब जो पैसा है वो किस तरीके से जनरेट करा जा सके, कैसे निकाला जा सके, ये जो है ड्रेन थ्योरी जो है That was given by दादा भाई नेहरू जी। First time इन्होंने जहाँ पर जो है national income की जो है बात करी थी, दादा भाई नेहरू जी was the first one who talked about national income। और इनकी बहुत बहुत important book दादा भाई नेहरू जी, Poverty and un-British rule, ये सैनिक school में question पूछा गया है आपका, और papers में RIMC में भी question पूछा गया कि Poverty and un-British rule किनकी ये book है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सट्रीमिस्ट फेस, गरम दल, अग्रेसिव अप्रोच 1906 से 1918। मॉडरेट्स फेल्ड बिकॉज दे वर फाइटिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। द इमीडिएट कॉज फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फोर्स वाज द रिएक्शनरी रूल ऑफ लॉर्ड कर्जन। जो लॉर्ड कर्जन ने रूल करा था, क्या करा था लॉर्ड कर्जन ने, जिसके कारण भड़के थे, बताया था पार्टीशन ऑफ बंगाल, तभी एकदम से ये जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो है बने थे, एकदम से बढ़ गए थे, क्योंकि इन्होंने जो है बंगाल का जो है विभाजन कर दिया था। हिज फर्स्ट मेजर वाज़ द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। ये रीजन था द एक्सट्रीमिस्ट। अब इनके इम्पोर्टेंट लीडर्स कौन थे एक्सट्रीमिस्ट के जो एग्रेसिव थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पॉल। लाल बाल पाल, मैंने बताया था इन्होंने जो है स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट कर दी थी, किसके कंटेक्स्ट में, पार्टीशन ऑफ बंगाल के कंटेक्स्ट में। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905। जो लॉर्ड कर्जन थे वो थे गवर्नर जनरल थे, उन्होंने अनाउंस करा था पार्टीशन ऑफ बंगाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे जब बंगाल का विभाजन हो रहा था, दैट वॉज गोपाल कृष्ण गोखले जी, और ये पॉलिटिकल गुरु हैं महात्मा गांधी जी के। अब नेशनलिज्म कहाँ से बढ़ी थी, वो थी बंगाल से ही बढ़ी थी, इसलिए ये लोग क्या चाह रहे थे, जब बंगाल से नेशनलिज्म जब बढ़ी थी तभी ये चाह रहे थे कि बंगाल का पार्टीशन करना जरूरी है, अगर ये इनकी नेशनलिज्म बढ़ती रही तो हमारा कहीं ना कहीं हम साइडलाइन हो जाएंगे। सो दे थॉट ऑफ डूइंग द पार्टीशन, इन्होंने पार्टीशन करने का सोचा। एक वेस्ट एरिया बनाया गया विच कंसिस्ट ऑफ बिहार, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, और अनदर जो है ईस्ट एरिया जहाँ पर की असम, ईस्ट बंगाल, बांग्लादेश रीजन। पॉलिसी क्या खेली गई थी, डिवाइड एंड रोल, हिंदू और मुस्लिम्स को आपस में क्लैश करना, उनको जो है अलग करना मोटिव था। 1905 में आपकी स्वदेशी मूवमेंट हुई थी जहाँ पर की फॉरेन गुड्स को जो है बॉयकॉट करा गया था, देन मुस्लिम लीग को फॉर्म करा गया था बाय दीज पीपल, आगा खान एंड सलीमुल्ला खान। 1903 से 1905 तक क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी होता है जो आइडियाज हैं वो क्लैश करने लग गए थे, जिससे क्या हुआ था हिंदू और मुस्लिम्स अलग हो गए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने प्रवोक भी करा था, मैंने बताया था गवर्नर जनरल ने,
जिन्होंने ब्रिटिश ने जो है मुस्लिम्स को प्रवोक करना शुरू कर दिया था कि ये तो अपनी आजादी ले लेंगे और तुम्हें लात मार के बाहर निकालेंगे देश से। 1906 कलकत्ता सेशन हुआ था और उसके प्रेसिडेंट दादा भाई नरोजी। फर्स्ट टाइम स्पोक अबाउट स्वराज वर्ल्ड बाय दादा भाई नरोजी। अब ये स्वराज वर्ल्ड में बहुत बार पूछा गया है कि ये स्वराज वर्ल्ड किनके द्वारा दिया गया था, दैट वॉज दादा भाई नरोजी। दिस वर्ड कॉइंड बाय, इनके द्वारा बोला गया था दादा भाई नरोजी के द्वारा, और दिया किन्होंने था, दयानंद सरस्वती ने, कि इंडिया फॉर इंडियंस, जो ये इंडिया है वो हम भारतीयों के लिए, यहाँ पर किसी और की जगह नहीं है, सिंपल। और ये वर्ड बोला किसके द्वारा गया था, दादा भाई नरोजी। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, जहां पर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों अलग अलग हो गए थे। इनका कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में चेंजेस लाना चाहते थे, इनका जो था इंडिपेंडेंस का था। इनके इनको कौन लीड कर रहा था, राजकुमार घोष, और एक्सट्रीमिस्ट को कौन लीड कर रहा था, लाला लाजपत राय। 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है कैंसिल कर दिया गया था और कैपिटल जो है बंगाल से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी। 1912 में दिल्ली मेड द कैपिटल। यहाँ पर जो है आपका ये चैप्टर डन होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।